हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ट्रायंगल के ऊपर। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पर और क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्रायंगल एबीसी की जो भुजा है बीसी, वो सर्कल को पॉइंट पी पे टच करती है, मतलब कि बी सी टेंजेंट है सर्कल का। और उसमें बताया गया है कि ए बी को जब हम बढ़ाते हैं तो वो क्यू पर स्पर्श करती है सर्कल को, और जब हम ए सी को बढ़ाते हैं तो वो आर पर स्पर्श करती है। तो मतलब कि ए क्यू और ए आर टेंजेंट है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप निकालना है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप होगा उसकी सभी भुजाओं का योग। पेरीमीटर जो होता है वो उसके सभी जो साइड्स होते हैं उनका सम होता है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए जो भी कहें, इसे हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, हमें इसे फाइंड करना है कि क्या होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा ए बी, तो हमने लिखा त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ए बी बी सी और सी ए से फाइंड करना है। तो लिखते हैं, तो हमने इसे लिखा। अब हम एक एक की वैल्यू निकालते हैं क्या होगी ए बी की वैल्यू। देखिए ए बी, ए बी क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक ए बी है। अगर हम ए बी, ये ए बी है तो ए बी कैसे लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू। ध्यान से देखिए, ए बी इतना है ना, अगर हम ए बी को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, मतलब कि अगर हम ए क्यू में से बी क्यू निकाल दें तो हमारा ए बी ही तो बचेगा ना। हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं। इसको लिखने का रीज़न क्या है वो आपको बाद पता चल जाएगा। अभी देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम। तो इसको हम ए क्यू को लिख सकते हैं, ए क्यू को लिख सकते हैं, मतलब ए बी को लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, इतना निकाल देंगे तो इतना बचेगा। ठीक, अब चलते हैं बी सी। तो ये है आपका बी सी, बी सी को आप क्या लिख सकते हो, बी सी को आप लिख सकते हो बी पी प्लस पी सी, इसको हमने लिख दिया ना। और फिर आपका ये है सी ए, सी ए आपका क्या है, सी ए या ए सी जो भी कहें। तो सी ए देखते, ए सी देखते हैं क्या होगा, ए सी आपका ए से लेकर सी तक है, तो अगर हम ए आर में से सी आर निकाल दें तो आपका क्या होगा, ए सी बचेगा ना। तो ये हमने लिख दिया सी ए बराबर को ए आर में से हमने सी आर आपका निकाल दिया तो आपका ए सी बचा, हमने लिख दिया। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्विक में कि ए बी को हम लिखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, ए बी को हम लिखेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, बड़े वाले में से छोटा वाला इतना निकाल देंगे तो हमारा ए बी बच जाएगा, ये हो गया। फिर बी सी, बी सी को आप लिख सकते हो बी पी प्लस पी सी, बी सी को आप लिख सकते हो बी पी प्लस पी सी। और एक चीज़ और देखते हैं फ्रेंड कि बी पी को, बी पी और आपका बी क्यू इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, कैसे होगा। एक आपने परमेय पढ़ी होगी कि किसी एक बिंदु से वृत्त पर डाले गए जो स्पर्श रेखा होती है वो समान लंबाई की होती है, मतलब कि अगर किसी एक बिंदु से हम किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचें तो उनकी दोनों की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो उसी परमेय का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो ये आपका पॉइंट बी है, इससे दो टेंजेंट समझ लीजिए डाले गए हैं, एक बी पी और एक ए क्यू बी क्यू, जो क्वेश्चन में दिया गया है। अगर क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा दिया गया है। तो ये हम जहाँ पे हम बी पी लिखे हैं वहाँ पे हम बी क्यू भी लिख सकते हैं। तो हमने हमने यहाँ पे जहाँ बी पी लिखा था वहाँ पे हमने बी क्यू लिख दिया, और जहाँ पे सी पी है आपको फिर वही परमेय लगाते हैं कि बिंदु सी से दो टेंजेंट है, एक सी पी है और एक सी आर है। तो जहाँ सी पी लिखा है वहाँ पे हम सी आर लिख सकते हैं। इसको लिखने का रीज़न आपको बाद में पता चल जाएगा। अभी देखते हैं किस तरीके से हम किसको क्या लिख सकते हैं ना। तो फ्रेंड, हमने इसको ऐसे लिखा और इसी को हम थोड़ी क्लियरिफाई कर रहे हैं कि कैसे आप इसको लिख सकते हैं। तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे लिखा, बी पी को हमने बी क्यू और सी पी को हमने सी आर लिख दिया। कैसे, सी पी कैसे सी आर होगा, एक एक बिंदु से दो टेंजेंट है और टेंजेंट दोनों बराबर होते हैं, तो हमने इतना लिख दिया। हम चलते हैं सी ए, सी ए ए सी जो भी कहें, सी ए या ए सी जो भी कहें, ये बराबर होगा आपका ए आर, बड़े वाले में से छोटा वाला सी आर घटा देते हैं तो आपका ए सी आ जाता है, ये हो गया हमारा इतना ना, ये क्लियर हो गया। अब हम फिर से चलते हैं परिमाप, परिमाप के लिए हमने लिखा था ये। अब इन सब की वैल्यू हम यहाँ से लिखते हैं, ए बी की वैल्यू क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू, प्लस बी सी की वैल्यू आपकी है बी क्यू प्लस सी आर, और सी ए की वैल्यू है आपकी ए सी की जो है यहाँ पे, सी ए की वैल्यू आपकी क्या है ए आर माइनस सी आर। तो फ्रेंड्स, इतना लिखने के बाद आप देखेंगे कि इसमें से कुछ कट रहा है, माइनस से माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू कट जाएगा,
और यहाँ से सी आर आपका, ये सी आर कट जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, ए क्यू बचा यहाँ से और ये आपका ए आर बचा, तो हम दोनों लिख लेते हैं ए क्यू और ए आर। और ए क्यू आर देखिए फ्रेंड, फिर से यहाँ से नियम लगाते हैं सूत्र पेपर में, एक बिंदु से किसी वृत्त पर खींचे गए दोनों स्पर्श रेखा समान लंबाई की होती है, तो ए क्यू और बी आर, ए क्यू और ए आर बराबर होगा, ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, क्यों होगा, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है और प्रमेय से आप इसे जान सकते हो किस तरीके से होगा ना। तो आप ए क्यू ए आर को हमने ए क्यू लिख दिया क्योंकि बराबर होंगे दोनों, स्पर्श रेखा है और ए क्यू की जुड़ जाएगा तो दोनों टू क्यू, तो ये फ्रेंड्स आपका होगा परिमाप। तो फ्रेंड्स अगर इस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।